सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस, मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर्स खुद बनाए हैं, दो दो तीन तीन सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स बैठकर, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स बनाकर टाइप करके मैंने एड्यूडोस ऐप में ऑलरेडी दे रखा है। चाहे आप दिसंबर 19 में एग्जाम दे रहे थे या जून 20, यू कैन प्लीज फॉलो दैट आफ्टर यू कंप्लीट योर सिलेबस। अगर आप जून 20 के हैं तो अभी मत देखिएगा, बट दिसंबर 19 के लिए इट्स हाई टाइम, जो भी एग्जाम दे रहा है दे शुड हैव सीन दिस मॉक टेस्ट पेपर्स मेड बाय मी। मैं क्वेश्चन पेपर कैसे बनाता हूं, सिर्फ प्रिंटर को दे देते होंगे, बोलते होंगे टाइप कर दीजिए, नो, मैं तीन कॉपीज खोलता हूं, एक रेलिवेंट चैप्टर के तीन रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस तीनों पेपर्स पे प्लॉट करता हूं, देन आई पिक अप द नेक्स्ट इशू और वैसे इस क्वेश्चन तीनों कॉपी में डालता हूं, ताकि हर पेपर एक रिप्रेजेंटेटिव पेपर हो जो हर एरिया को टच कर रहा हो। क्योंकि मैं अगर सिर्फ एक पेपर पहले बनाऊंगा तो क्या होगा, बहुत ही बायस्ड हो जाऊंगा, एक पर्टिकुलर या दो चैप्टर से ही क्वेश्चंस डाल के पेपर खत्म कर दूंगा। सो आई फेल्ट जैसे वहां पेपर आता है मिक्स बैग, वैसे सीएस प्रोफेशनल के लिए मैं भी थोड़ा मेहनत करके आपके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव पेपर बनाऊं। मेरे पेपर को देखकर भावुक मत होइएगा, वो एग्जाम में आने वाले पेपर से थोड़े बेटर स्टैंडर्ड के होते हैं। परीक्षा में जो असली एग्जाम जो आप देते हैं उसमें ऐसा बनाया जाता है कि 70 मार्क्स सारा स्टूडेंट कर सके, नेक्स्ट 15 मार्क्स के लिए स्टूडेंट को सोचना पड़े और 10-15 मार्क्स ही टफ होता है। सर तब रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं होता है? राइटिंग पैटर्न, जब हम आंसर्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं उसमें आप लीगल पॉइंट्स अपने फैक्ट्स को ठीक से प्रेजेंट नहीं करते, आंसर को कंक्लूड नहीं करते, तो ये चीजें हम लोग एग्जीक्यूटिव लेवल से सीख रहे थे, पर अब वापस से मैं आपको बोल रहा हूं ये कर सकते हैं। सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस को एक एडवाइस देना चाहूंगा, एक पेपर है जिसका नाम है गवर्नेंस, या और एक पेपर है सेक्रेटरियल ऑडिट न्यू सिलेबस, उसमें कंपनी लॉ के बहुत सारे पोर्शंस जगह जगह आप देखते हैं कि एग्जाम में आ जाता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पूरा कंपनी लॉ मैंने फाइनल्स को नहीं पढ़ाया, बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि अननेसेसरली मैं नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने के लिए आपको पूरी कंपनी लॉ न्यू सिलेबस वाले सीएस प्रोफेशनल को फिर से पढ़ाऊं, पर मैंने एग्जीक्यूटिव के लिए फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में कंपनी लॉ के बहुत सारे लिंक्स डाले हैं। तो जो रेलिवेंट टॉपिक आपके फाइनल मैट में आए, जैसे कि सेक्शन 188 आता है, 186 आता है, डिपॉजिट्स आता है, तो आप वहां के रिविजन लिंक से देख सकते हैं, दैट विल हेल्प यू टू गेन अ बेटर एज, और वो पोर्शन आपके पूरे राइट हो जाएंगे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा। सेकेंड लाइन ऑफ अटैक सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस के लिए, अपार्ट फ्रॉम द मॉक टेस्ट पेपर्स, लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सेबी एलओडीआर पे उनको कुछ शॉर्ट नोट्स चाहिए ताकि एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज कर सके। तो मैंने तीन लिंक्स रिवीजन के रिकॉर्ड किए थे, कई लोगों को मैंने व्हाट्सएप में ऑलरेडी सर्कुलेट किया है, आपने अगर पेन ड्राइव लिया था तो मैंने आपको मेल करवाया, मेल को चेक करिए, उसमें गूगल ड्राइव के लिंक्स गए हुए हैं आपको, फिर भी नहीं गया हो तो आप मेरे मनी रिसीट और मैट का फोटो मुझे भेजिएगा एंड आई विल सेंड यू आफ्टर चेकिंग दैट। और इसके नोट्स वेबसाइट में अपलोडेड हैं, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं तो बोलूंगा लास्ट के 10 दिन मॉक टेस्ट पेपर्स क्यों करना चाहिए, उसे बहुत अच्छे तरीके से आप एक होलिस्टिक 360 डिग्री वैरायटीज ऑफ चैप्टर्स को कर पाओगे। एक बार करके देखो, रिजल्ट अच्छा हो तो मुझे बोलना, दैट वाज रियली अ बिग हेल्प। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मैं कई बार पहले भी बोला हूं फिर दोहरा रहा हूं, बट मॉक टेस्ट पेपर्स देखना, दे आर द बेस्ट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, असली एग्जाम के पेपर थोड़े और इजी लेवल के आएंगे। बट सीएस में पास होने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करके टाइम मैनेजमेंट के साथ आप लिखिएगा, बट एट द सेम टाइम रिमेंबर कि कोई भी रॉन्ग सेक्शन नंबर मत कोट करिएगा, कि कुछ आए हैं तो लिख कर जाएंगे, रॉन्ग सेक्शन नंबर कोट करना कई बार पेनल कॉन्सिक्वेंसेज अट्रैक्ट कर सकता है अगर पेपर्स रैंडमली चेक हो रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू दैट रेलिवेंट एक्ट लिखिए जो भी जिसका क्वेश्चन हो, बट डोंट डू दैट कि रॉन्ग क्वेश्चन लिख के, रॉन्ग आंसर लिख के, रॉन्ग सेक्शन नंबर लिख के आ जाए। सो मॉडल टेस्ट पेपर्स आप देखेंगे, सेबी लोडर के लिंक्स आप मंगवाएंगे, मॉडल टेस्ट पेपर से एग्जाम के एक दिन पहले लोग देखते हैं, उसी दिन मन में बैराग उत्पन्न होता है, दैट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस, बल्कि अभी से अपनी प्रिपरेशन करते वक्त उसमें पेज नंबर्स बैठाते रहिए, कई पेपर्स में मैंने पेज नंबर्स दे रखा है, सो डू दैट एंड आज ही व्हाट्सएप करिएगा। जो लोग बहुत दिन से मेरे टच में नहीं है, मैं आशीष बोल रहा हूँ मैं या वो वाला बोल रहा हूँ, अपना नाम लिखकर मुझे भेजिएगा, आई विल ट्राई टू रिकॉग्नाइज यू। कई के नंबर्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, गरिमा एंड अदर्स, मेनी मोर, जिनके नाम अभी मेरे जुबा पर नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच।